सोयाबीन की नई फसल पककर तैयार है। फसल तैयार होने के बाद मंडियों में नई फसल की आवक बढ़ेगी, इससे सोयाबीन के भाव में गिरावट बढ़ सकती है। दरअसल कीमतों में गिरावट के कई कारण हैं। इनमें चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बंपर फसल की संभावना, सरसों का ज्यादा स्टॉक और मलेशिया में सीपीओ की कीमतों में कमजोरी शामिल है। इससे खाद्य तेलों के और सस्ता होने के आसार बन रहे हैं। दूसरी ओर हाल ही में क्रूड सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर आयात शुल्क को खत्म किया गया है। इंडोनेशिया और मलेशिया से सीपीओ और पामोलिन की ज्यादा सप्लाई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सूरजमुखी ऑयल के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। इन सब का प्रभाव फिलहाल सोयाबीन की कीमतों पर पड़ रहा है और उनमें गिरावट बनती दिखाई दे रही है। 2 सितंबर 2022 तक देश भर में सोयाबीन की बुआई 120 लाख 4 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल 120 लाख 60 हजार हेक्टेयर में देखने को मिली थी और अमूमन ये लगभग बराबर ही दिखाई दे रही है। अब सोयाबीन के रकबे में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं आयात की बात की जाए तो जुलाई 2020 में भारत में खाद्य तेलों का आयात मासिक आधार पर 28% बढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो ये 31% का इसमें जंप आ चुका है। नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक भारत का खाद्य तेलों का कुल आयात 9.70 मिलियन टन दर्ज किया गया, जो कि पिछले ऑयल वर्ष की समान अवधि में कुल आयात 9.37 मिलियन टन था। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।